अब हमारे बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबों के अभिभावक हमारे बीच पधार चुके हैं, लेकिन इससे पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जीतन राम मांझी जी का संबोधन करना बाकी रह गया था। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब जीतन राम मांझी जी का स्वागत करें ताली बजा के, और आप हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, पुनः ये दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर संचालन कर रहे, हमारे माननीय सांसद बाबूलाल मरांडी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय मंत्री हमारे राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, और हमारे मंत्री प्रेम कुमार जी, और हमारे सामने उपस्थित लाखों लाख की संख्या में उपस्थित नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। बीच में हम बाधा नहीं पड़ना चाहते, एक अपील मात्र हम करना चाहते हैं, खास करके वैसे लोगों से जो दलित और महादलित के कैटेगरी में आते हैं। सबको आज के जमाना में या सभी के जमाना में सम्मान की आवश्यकता होती है, सम्मान का जीवन जीना बहुत बड़ा चीज होती है। और हम जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शिथिल कर दिया था। समूचे हिंदुस्तान के दलित और आदिवासी सड़कों पर आ गए थे। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में उन्होंने उसके मूल रूप में बरकरार रखा, जिससे आज हम सिलुकासल थ्रू ट्राइब पर जो अत्याचार होने हो रहा था उसमें बहुत कमी आई है। तो ये बड़ा सम्मान सिलुकासल थ्रू ट्राइब्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी देने का काम किया है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है भाइयों बहनों, आप जानते हैं आपके सामने जो वक्ता बोल रहा है एक मुसहर परिवार का है, और मुसहर परिवार सिलुकास्ट में सबसे पिछला पायदान पर है, उसको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात उन्होंने किया है। और तो और आप जानते हैं वर्ल्ड में नाम है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का, 22 साल में उन्होंने पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया। उस चीज को जब लालू प्रसाद के दरबार में हम ले गए थे तो उन्होंने कहा था अरे कोई पत्थर कटवा होगा हो, इसका क्या मतलब है। लेकिन जब वही नीतीश कुमार के दरबार में ले गए तो आपको सुनता जानते होंगे भी कि नीतीश कुमार जी ने दशरथ मांझी जी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ये सम्मान गरीबों के लिए नीतीश कुमार जी के जहन में है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों हम दलितों को अनुसूचित जाति को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आज के समय में एनडीए को छोड़ करके किसी और हम दलितों को सोचने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आगे आने वाला चुनाव में आप एनडीए के सभी साथियों को वोट देने का काम करें। यही अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। मित्रों, आज के सबसे पहले मैं फारबिसगंज की इस ऐतिहासिक, अररिया जिला की इस ऐतिहासिक, यह रेणु की धरती है, यहां के बड़े साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की धरती, द्विजदेनी जी की यह धरती है, रामलाल सिंह स्नेही जी की धरती है। तो मैं सबसे पहले आप सबों का, अररिया का बेटा होने के नाते, आप सबों ने एक साल पहले, सवा साल पहले लोग कहते थे कि यहां कमल नहीं खिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसी जगह आए थे और आप अररिया में लोग कहते थे कि दो चार पांच दस हजार से हार जीत होगी, लेकिन 2018 में जब उपचुनाव हुआ था तो ये अररिया में 4,47,000 वोट हुआ था। तब उस समय में
काउंटिंग हॉल के बाहर भारत विरोधी नारे लगे थे, लेकिन एक साल के बाद जब आम चुनाव हुआ पूरे देश में, आप लोगों ने यही फारबिसगंज की वह धरती है, आप लोगों ने पूरे जिले में 6,20,000 वोट देने का काम करके लोकसभा में जिताने का काम किया था। अगर प्रदीप सिंह जीवन भर आप सबों का काम करता रहूंगा तो मुझे लगता है कि अररिया जिला का आप लोगों का जीवन भर में आपका कर्ज नहीं उतार सकता हूं। आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है। मित्रों, आप सब आए हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सुनने। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं एक बार कि हे प्रधानमंत्री जी, आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आप इस धरती पे, ये चौथी बार आपका आना हुआ है। सबसे पहले मैं अपने हृदय आत्मा से इस फारबिसगंज और अररिया की धरती में आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं, आपका चंदन करना चाहता हूं और आपका फिर से सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। और आपका आशीर्वाद इसी तरह से इसी इलाके में बनी रहे। यह सीमांचल का एरिया है या मिथिलांचल का एरिया है, यहां से 10 किलोमीटर मात्र नेपाल का बॉर्डर है। मैं जानता हूं कि आप हमें बहुत मानते हैं, इस एरिया को भी आप मानते हैं।